अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स फेडरल बोर्ड की बुक है जिसमें चैप्टर 2 वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहला एमसीक्यू है, टू वेक्टर्स लाए विद देयर ट्रेल्स एट द सेम पॉइंट। दो वेक्टर्स हैं जिनकी ट्रेल्स एक ही पॉइंट पे हैं। व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, अच्छा आप दो वेक्टर्स हम पहले बना लें, इन दोनों की टेल एक ही पॉइंट पे है, ये ए है ये बी है। व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री, अभी इनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल है, अगर हम ये एंगल 20 डिग्री बढ़ाते हैं, देयर स्केलर प्रोडक्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि पहले इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ए बी कॉस ऑफ थीटा थी, अब अगर हम इसमें 20 डिग्री बढ़ाते हैं, जब हम इनकी एंगल बढ़ाते हैं, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री, देयर स्केलर प्रोडक्ट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड। अगर हम इनकी एंगल 20 डिग्री बढ़ाते हैं, यानी पहले थीटा थी तो अब थीटा प्लस 20 है, फिर भी इनका जवाब जो है वो सेम आता है, बट चेंजेस फ्राम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयर ओरिजिनल एंगल बिटवीन देम वाज, बताएं ये एंगल कितनी थी। अब ये एंगल हमने मालूम करनी है। अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखें तो 0 डिग्री जो है, अगर 0 डिग्री होता उसमें 20 डिग्री हम ऐड करते, यानी पहले 0 बाद में 20, तो 0 और 20 के आंसर्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे। अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री में अगर 20 हम ऐड करते हैं तो 80, यानी 60 और 80 के आंसर भी सेम नहीं है। 70 में 20 ऐड करें तो 90, अगर हम 80 में ऐड करते हैं 20 डिग्री, यानी पहले अगर 80 थी और अब 20 है, तो cos 80 का आंसर और इसमें 28 करने के बाद, यानी cos 110 के आंसर दोनों के सेम आंसर आएंगे। बस इनमें फ़र्क जो आएगा, इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा, इसका आंसर जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, 80 डिग्री होगा। पहले 80 था, 20 डिग्री ऐड करने के बाद 110 हुआ, तो इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है फिर भी सेम मैग्नीट्यूड की आएगी, लेकिन पहले अगर पॉजिटिव थी तो इस बार जो है वो चीज़ हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 80 डिग्री, ये होगा हमारा आंसर। दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे आप चेक करें, द मिनिमम वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट। अब मिनिमम वेक्टर्स कितने होने चाहिए, अनइक्वल हैं, अगर इक्वल होते तो मिनिमम हमारे पास जो है वो 2 वेक्टर्स होने चाहिए उनका 0 रिजल्टेंट होने के लिए, लेकिन अनइक्वल हैं तो 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स होंगे अनइक्वल, तब जाके उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 आ सकता है, यानी कोई ना कोई एंगल ऐसी हम सेट करें कि उनका आंसर 0 आ जाए। तो इसका मतलब दूसरे में जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा 3 होगा, बी। तीसरा सवाल है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज ऑल्सो अ मैग्नीट्यूड ए, द एंगल बिटवीन देम द वेक्टर्स, कह रहे हैं कि 2 वेक्टर्स हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट बी ए है, तो ये तभी ही मुमकिन है अगर 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री है। अगर 2 वेक्टर्स हैं इक्वल हैं, एंगल 120 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट बी ए ही आएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो डी 120 डिग्री आएगा। 4 नंबर है यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अब एक वेक्टर ए गिवन है आपके पास, टू आई प्लस जे प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से हमें मिलेगा 4 प्लस 1 प्लस 4, यानी रेडिकल 9, और इसका जवाब हमें मिलेगा 3। तो इसका मतलब 4 में हमारा जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा सी ऑप्शन 3। नंबर 5 है, व्हेन fx इज इक्वल टू 3 f इज इक्वल टू 5 देन fy इज इक्वल टू, यानी fx हमें गिवन है 3 और f गिवन है 5, fy हमने मालूम करना है कौन सा है, तो हम यहाँ पे कहते हैं fx square plus fy square, जिसमें f गिवन है हमें,
एफ एक्स की वैल्यू भी गिविन है, बाकी एफ वाई हमने मालूम करना है। अगर दोनों साइड पे स्क्वायर करें हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 25, यहाँ से रेडिकल हट जाएगा। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो आएगा 16, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ वाई यहाँ पे जो आएगा 4। तो हमारा सही जवाब यहाँ पे कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन 4 बनेगा। उसके बाद नंबर सवाल नंबर 7 है, ए एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ए वाई इज इक्वल टू -1.0 सेंटीमीटर, और इन विच क्वाड्रेंट डू द वेक्टर ए पॉइंट, ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पे हम गौर से चेक करें तो ए एक्स पॉजिटिव है, ए वाई है नेगेटिव, तो हमारे यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें ए एक्स होता है पॉजिटिव और वहाँ पे ए वाई होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे हम सही जवाब टिक करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हमें मिलेगा वो डी ऑप्शन 4 मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ए डॉट ए क्रॉस बी किसके बराबर मिलेगा, ए डॉट ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे देखें ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो सी वेक्टर आएगा, और वो सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँ ए डॉट ए क्रॉस बी की जगह मैं लिखूँ सी, और एक बात तो पक्की है कि सी जो है वो ए और बी का परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सी और ए के दरमियान एंगल 90 है, तो ए डॉट सी का जवाब जो आएगा वो 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट है और दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो आंसर इसका आएगा 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्सेस। अब दो फोर्सेस हमारे पास हैं, एक है 20 और एक है 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, इन दोनों का मैक्सिमम जो आंसर आएगा वो तब होगा जब थीटा 0 होगी, यानी मैक्सिमम इनका आंसर जो आएगा 50 प्लस 20 आएगा 70, और इनका जो मिनिमम आंसर आएगा वो तब जब इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो, और इनका मिनिमम आंसर आएगा 30। अब 70 और 30 के दरमियान जितने भी हमारे आंसर्स हैं वो सारे पॉसिबल हैं, 70 भी पॉसिबल है, 30 भी पॉसिबल है, बीच वाली सारी वैल्यूज पॉसिबल है। अब कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, अब नॉट पॉसिबल या 70 से ऊपर होगा या 30 से कम होगा। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखें 20, तो 20 न्यूटन जो है वो 30 से कम है, 20 तो हो ही नहीं सकता है, 30 हो सकता है, 40 इनके बीच में ये भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे कि 20 न्यूटन जो है वो इनका जवाब नहीं हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स हैं नॉन ज़ीरो हैं, ए एंड बी इज़ ज़ीरो। अब दो ए डॉट बी, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए डॉट बी जो है वो नॉन ज़ीरो है, यानी ना ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो है, फिर भी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो हम समझ जाएंगे कि इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तब जाके ए डॉट बी जो है वो जवाब 0 आया है। इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज़ 0, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है, और जब एंगल 90 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि एंगल का हमें पता चल गया है, तो मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो ए बी आएगा, और ये मैक्सिमम आंसर आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ए बी, सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 16 न्यूटन, दो वेक्टर्स हैं उनका सम जब करेंगे मैग्नीट्यूड्स का तो 16 आएगा। इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्सेस, देन द फोर्सेस आर। अब दो फोर्सेस हैं, हमें पता नहीं है कौन सी हैं, उन दोनों के मैग्नीट्यूड को सम करेंगे तो 16 न्यूटन आएगा। और उसके बाद
उनके दरमियान आपस में एंगल कुछ इस तरीके से है कि रिजल्टेंट जो फोर्स है वो 8 न्यूटन है, और यहाँ पे जो मिनिमम दो फोर्सेस में जो मिनिमम है, लेट सपोज वो मिनिमम ए है, तो रिजल्टेंट उसके है परपेंडिकुलर। हमने जो है ये वेक्टर्स मालूम करने हैं, एक ए है और एक बी है। अब ए और बी हमने मालूम करने हैं, हमें पता है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को सिर्फ सम करेंगे हम मैग्नीट्यूड्स को। तो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, खाली मैग्नीट्यूड्स को सम कर रहे हैं, तो ये आंसर हमें मिलेगा 16। तो एक इक्वेशन आपकी बन गई, ए प्लस बी इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएं, ए स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है बी स्क्वायर को इस साइड पे भेज दें हम, आर स्क्वायर को यहाँ पे भेज दें। अब यहाँ पे अगर इनके हम फैक्टर्स निकालें तो ये आएगा ए माइनस बी और आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए प्लस बी का आंसर हमें पता है 16 आएगा, और आर का स्क्वायर है यानी 8 का स्क्वायर यानी 64 आएगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 64, ये 16 इस साइड पे डिवाइड करेगा तो ये आएगा 4। इसका मतलब कि a माइनस बी है 4 और a प्लस बी है 16। इसका मतलब जो भी दो वेक्टर्स हैं उनको सम करेंगे तो 16 आएगा, उनका डिफरेंस करेंगे तो 4 आएगा। अब आ जाएं हम ऑप्शंस यहाँ पे चेक करें कि कौन से दो ऑप्शंस में सम 16 है और डिफरेंस 4 है। 14 और 2 16 है लेकिन डिफरेंस 4 नहीं है, 12 और 4 16 है लेकिन डिफरेंस 4 नहीं है, 8 और 8 16 सम है लेकिन डिफरेंस 4 नहीं है, 10 और 4 सम 16 है और इनका डिफरेंस 4 है। तो इसका मतलब हमारे जो ऑप्शंस होंगे, हमारे यहाँ जो दो फोर्सेस हैं वो एक 6 न्यूटन है और एक 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे जो हम सही जवाब टिक करेंगे वो ए ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, द फॉलोइंग डायग्राम शो अ यूनिफॉर्म रॉड विथ इट्स मिड पॉइंट ऑन द पाइवट, टू इक्वल फोर्सेज एफ आर अप्लाइड ऑन द रॉड एज शोन फिगर, विच डायग्राम शोज द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। अब अगर हम फर्स्ट फिगर देखें तो इनमें फोर्सेज का सम जीरो आ रहा है लेकिन ये रोटेट करेगी तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर दूसरी फिगर को हम चेक करें तो एक फोर्स लग रही है सेंटर से तो इसका तो टॉर्क नहीं बनेगा, बाकी ये वाली फोर्स इसको रोटेट करवाएगी। तो पहली फिगर में भी ये रोटेट करेगा, दूसरी फिगर में भी ये रोटेट करेगा। अगर आप तीसरी फिगर ये फोर्थ फिगर देखें तो इसमें भी ये रोटेट करेगा, लेकिन अगर सी वाली फिगर आप चेक करें कि दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड हैं और पाइवट से इसका रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, यानी फोर्सेस हो गई ज़ीरो जबकि ये रोटेट भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब इन चारों फिगर्स में जो इक्विलिब्रियम में है वो फिगर सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें, फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इज करेक्ट। अब ये दोनों बराबर, तब ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन ऑफ थीटा के। अब ये दोनों तब ही बराबर हो सकते हैं जब इन दोनों के दरमियान एंगल 45 डिग्री हो, तब जाके ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो एंगल यहाँ पे बनेगी 45 डिग्री, सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन द व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर। अब ये व्हील यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका रेडियस है 2 मीटर, इस पे एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की यहाँ से और एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन यहाँ से। इसका मतलब कि ये रेडियस 2 मीटर है यहाँ से या यहाँ से, ये 10 न्यूटन फोर्स इस व्हील को रोटेट करवाएगी यूं, तो इसका टॉर्क बनेगा फोर्स है 10 रेडियस है 2 तो ये होगा 20 न्यूटन मीटर। और ये अगर हम देखेंगे तो इसकी फोर्स है 5 न्यूटन रेडियस है 2 तो इसका टॉर्क होगा 10 न्यूटन मीटर। अब अगर हम चेक करें तो ये वाला टॉर्क है क्लॉकवाइज और ये वाला टॉर्क है काउंटर क्लॉकवाइज, तो बड़ी वैल्यू जो है वो क्लॉकवाइज की है, तो 20 में से ये अपोजिट में है काउंटर है
तो ये टेन हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10 न्यूटन मीटर। लेकिन 10 न्यूटन मीटर कलाक का या काउंटर का, तो ये कम टॉर्क है, ये बड़ी वैल्यू है टॉर्क की, तो हम कहेंगे 10 न्यूटन मीटर आंसर आएगा लेकिन कलाक वाइज में। तो हमारा यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे 10 न्यूटन मीटर कलाक वाइज।